सो गाइस, आर्या ने जो निकी को थप्पड़ जड़ा, इसी सिलसिले में आर्या ने रितेश को क्या सफाई दी, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सो गाइस, वीकेंड के वार की शुरुआत में ही रितेश देशमुख ने आर्या की जमकर क्लास ली, जिसके बाद फिर लास्ट में रितेश ने ये कहा कि चलो मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूं कि तुम इस सिलसिले में क्या सफाई देना चाहती हो। कि सर, मैंने कभी जिंदगी में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया और मैं खुद भी डिनाइल मोड में हूं, क्योंकि मेरे से ये क्या हो गया और अब मुझे इस चीज का पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि इस पूरे सिलसिले में मेरी ही सबसे ज्यादा गलती है, क्योंकि मैं निक्की जैसा वायलेंस करने की कोशिश कर रही थी और फिर अनजाने में मेरे से हाथ उठ गया। इसीलिए अब मैं निक्की से माफी मांगना चाहती हूं और आपसे और पूरी जनता से भी माफी मांगती हूं कि मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। जिसके बाद फिर रितेश कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ, और जब तुम्हें वर्षा जी ने कहा था कि डोर को बंद मत कर, तुमने वर्षा की बिल्कुल भी नहीं सुनी और अपनी स्ट्रेटेजी में ही लगी रही। और लास्ट में रितेश ने ये भी कहा कि जितनी आर्या की इस इंसिडेंट में गलती है उतनी ही निक्की की भी गलती है, और अब निक्की अपनी सफाई में रितेश को क्या कहने वाली है ये देखने लायक होगा। तो गाइस, आर्या ने तो मांग ली है अपने गुनाहों की माफी, मगर अब देखना ये होगा कि रितेश आर्या को कौन सी सजा देते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।